बूंदे पॉडकास्ट पर सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा। त्योहारों का मौसम छाया हुआ है और दिवाली का स्वागत भी किया जा रहा है। अपने अपने घरों में सबने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन दिवाली पे हम क्या करते हैं? हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, साथ ही साथ भगवान कुबेर उनकी भी पूजा की जाती है। तो आइए इसी पे आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है। जानते हैं कि दिवाली के इस पावन पर्व पर वो कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करने से आपके जीवन में धन और लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। हिंदू संस्कृति में धन को पवित्र माना जाता है और इसे पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और संरक्षण के लिए आवश्यक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार धन का अर्थ दुष्ट गतिविधियों के बजाय मानव जाति की व्यापक भलाई और विकास का प्रतिनिधित्व करना है। देवी लक्ष्मी को सभी हिंदुओं द्वारा समृद्धि, भाग्य और धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू परंपरा में कुबेर धन के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं कि पैसा इस ग्रह पर एक सभ्य और सुखद अस्तित्व की नींव है। धन का बढ़ना पिछले अच्छे कर्मों का फल है। यही कारण है कि कुछ व्यक्ति अमीर हैं, जबकि कुछ गरीब हैं। भगवान कुबेर को देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्ष के राजा के रूप में माना जाता है। वे धन, सफलता और महिमा का एक वास्तविक अवतार है। भगवान कुबेर न केवल साझा करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के सभी धन को संरक्षित और सुरक्षित भी करते हैं। नतीजतन भगवान कुबेर को धन रक्षक के रूप में भी माना जाता है। कुबेर भगवान ब्रह्मा के परिवार से हैं। वे विश्रवा और इलाविडा के पुत्र हैं। कौबेरी से उनके चार बच्चे हैं, जिन्हें यक्षी, भद्रा और चार्वी के नाम से भी जाना जाता है। अपने गोलमटोल रूप के कारण दुनिया के धन के रक्षक का मजाक उड़ाया जाता था। कुबेर ने भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए अत्यधिक भक्ति की। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने आए और उन्हें सभी धन का रक्षक बनने का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सभी लोग कुबेर की पूजा करने लगे। संस्कृत में कुबेर का अर्थ खराब आकार या विकृत रूप है। तो नाम के अर्थ के अनुसार भगवान कुबेर को मोटे और छोटे शरीर के साथ दर्शाया गया है। उनका रंग कमल के पत्तों के समान है और उनके शारीरिक आकार में विभिन्न असमानताएं हैं। उनके तीन पैर हैं, आठ दांत और एक पीली आंख है। सबसे अमीर देवता भगवान कुबेर भारी आभूषणों से सुसज्जित और सोने के पैसे से भरा एक बर्तन या एक पोटली रखते हैं। भगवान कुबेर को पुष्पक से यात्रा करने में आनंद आता है, जो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दिया था। इसके अलावा कुछ लेखों में भगवान कुबेर को हाथ में गदा, अनार या खजाने की बोरी पकड़े हुए दर्शाया गया है।
नेवले को अक्सर उनके साथ जोड़ा जाता है और कुछ लेख उन्हें हाथी के साथ भी जोड़ते हैं। हिंदू भगवान कुबेर, जिन्हें कुबेर, कुबेरा, कुबेरन और धनपति के नाम से भी जाना जाता है, को धन के देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी उन्हें धन का देवता मानते हैं। कुबेर क्षमाशील भगवान है। अब आइए जानते हैं कुबेर अष्ट लक्ष्मी मंत्र। ये मंत्र आपको कार्य में सफलता दिलाने में सहायता करेगा। यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान कुबेर आपके जीवन में किसी भी बाधा को दूर करने और आपकी व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित करने में आपकी सहायता करेंगे। उनके आशीर्वाद से आप एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इस मंत्र का जाप करके आप देवी लक्ष्मी से अच्छे जीवन का आशीर्वाद मांग रहे हैं। एक बार जब आप दृढ़ संकल्प के साथ इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देंगे तो भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी आश्वस्त करेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, मैं भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे दुनिया की सारी संपत्ति और समृद्धि प्रदान करें। कुबेर अष्ट लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, आइए जानें। आप इस मंत्र के साथ भगवान कुबेर से समृद्धि और सुख का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी के साथ पूजा करने पर भगवान कुबेर उन लोगों को सर्वोत्तम लाभ प्रदान करते हैं जो उनके प्रति समर्पित हैं। इस मंत्र का जाप करने से परिवार में अपार धन संपदा आती है, जिससे सुख सुविधाओं से घिरे रहने के बावजूद परिवार में हमेशा शांति बनी रहती है। बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत स्थिर रहना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी घमंड और बेईमानी पर नाराज होते हैं। इस मंत्र को विश्वास के साथ बोलने से आपको यश और धन की प्राप्ति होगी। आपको कोई धन हानि नहीं होगी और आपके विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कुबेर अष्ट लक्ष्मी मंत्र का जाप करने का सबसे अच्छा समय सुबह के समय होता है। इस मंत्र का जाप करने की संख्या 108 बार है। कुबेर अष्ट लक्ष्मी मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। इस मंत्र का जाप भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने करें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं
सुखाय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः। कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम? उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अगर आप कोई हमें सजेशंस देना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पे फीडबैक के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं और जाते जाते आप सभी सुनने वालों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करें। नमस्कार।